बातों को हम रख रहे हैं जिनसे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, खास लड़कियों के लिए। यहाँ पर इसमें जो सवाल होते हैं वो लड़की के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सकता है, वो किसी से भी नहीं पूछेगा, किसी से भी नहीं। और रहा बात इनके बारे में जानने के लिए, हम थोड़ी आप लोगों को बता देते हैं इन चीजों का। ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जो भालवा जिसको बोले एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बोले आपको, ये जो है ये एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब ये जो भालवा है, मतलब ये जो वेजाइना है, इनका जो पीएच मान होता है, इनका पीएच मान जो होता है 3.5 से 4.5 होता है। तो याद कीजिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, है ना, 7 पर रहेगा तो उदासीन, अगर 7 से कम रहा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहा तो क्षारीय। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? चलिए अब आपको हम बता दें, ये चीज आप लोग जान रहे हैं लेकिन थोड़ा सा है कि आपको जानने के बाद आपको आसानी हो जाएगा। ये 7 अगर रहा तो क्या उदासीन है, कोई भी तरह का एकदम नॉर्मल हो गया, है ना। लेकिन ये अगर ये 7 से अगर अधिक होता है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय, और 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय। तो ये जो वेजाइना का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 3.5 से 4.5। इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक होता है, मैं समझ गया ना, एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एसिडिक होने के कारण क्या होता है कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं जो है, जो पैंट पहनेंगे तो पैंट के ये जो भालवा के आसपास का जो पैंट में जो जगह होगा वो व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका जो वो कपड़े का रंग छोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक होती है। ऐसा इसमें कुछ नहीं, कहीं डरने की बात नहीं, कैसा सभी के साथ होता है, हर महिलाओं के साथ, क्योंकि ये जो भालवा होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। और आपको बता दें, ये अपना सुरक्षा खुद करता है, ये अपना बारे में खुद सोचा, आपको इसको साफ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद से कर सकता। हाँ, जब पीरियड्स हो, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगा उस समय साफ करना चाहिए, लेकिन ऐसे में ये खुद सुरक्षित, अपना खुद सुरक्षा करता है, क्योंकि ऐसा प्रकृति इनको बनाया गया है, ठीक है। आपको हम बता दें कि ये जो अम्लीय होने के कारण, ये अम्लीय होता है, अम्लीय होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये अम्लीय होने के कारण जो है, इनके बाहर वाले पोर्शन में अगर किसी भी तरह का, अगर किसी भी तरह का अगर बैक्टीरिया आता है तो उनको इन्फेक्शन होने से रोकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो अभी के टाइम में जो क्या हो गया है कि ज्यादा फैशन हो गया है ना, फैशन के चक्कर में बहुत सारे जो महिलाएं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनमें क्या होता है, हेयर्स को हटा दिया जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल, ये रहना बहुत जरूरी, इनके पीछे रीजन होता है, आगे की बात कर रहे हैं हम आपको कि ये जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पर आपको अभी जो बताए कि बाहर वाला जो है जिसको क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा के नीचे एक ग्रंथी रहती है, क्या रहता है बोलो, ग्रंथी। तो वो ग्रंथी जो है, वो ग्रंथी क्या करता है, वो ग्रंथी क्षार कुछ मात्रा में लिक्विड छोड़ता है, वेजाइना से कुछ लिक्विड बाहर निकलेगा, व्हाइट कलर के जो है कुछ लिक्विड बाहर निकलेगा, कुछ लिक्विड बाहर आएगा, और वो क्या करता है, वेजाइना के अंदर जो है वो अम्लीय ना हो, उस अम्ल को ये क्षार उदासीन करके इनको नॉर्मल रखता है, ठीक है, वेजाइना को। लेकिन ये बाहर जो पोर्शन है उसको वो अम्लीय रखता है, ठीक है। अब आगे आपको थोड़ी सी बात बता दें आपको कि आप लोग साबुन समझते हैं, साबुन, तो साबुन का पीएच मान जो होता है 8 से 11 होता है। साबुन का पीएच मान कितना होता है, 8 से 11, मतलब बहुत भयंकर क्षार हो गया है ना। तो अगर साबुन का यदि इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वेजाइना में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है वो आपको डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, ऐसे में आप ज्यादा मात्रा में आप इनका इस्तेमाल यदि साबुन का करेंगे तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उन्हीं इन्फेक्शन के वजह से बहुत सारे महिलाओं में श्वेत पर्दर, रेड पर्दर, मतलब लाल रक्त पर्दर, ऐसी समस्याएं आती हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों का इसमें अब कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।